फैमिली उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं और बीरा हम शूट कर रहे हैं अपना, और आई एम सो सॉरी ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई मैं, अभी इतने मज़े करने में बिजी थी। ये मुस्तफ़ा जा रहा हूँ लेके काम कर रहा है, इसे अर्तुल का बोझ हो गया। यानी अपने बकरे के बारे में बता रहा है, यहाँ पर ये अपना बकरा दिखा रहा है, यहाँ पे धूप में खड़ा को खड़ा होके होके होके, तो बाद में जब छाँव में तो मोटरसाइकिल खड़ा है वहाँ थोड़ा थोड़ा कपड़ा नज़र आ रहा है, वहाँ पर बैठा है थोड़ी देर के बाद सो गया। फिर कुर्बाना का वक्त आया, कान खींच के लेके जा रहे थे, मैं ऊपर से देख रही थी, रोना शुरू हो गई थी मैं। ये मेरे नानाबू का बकरा है, हमने बैल में हिस्सा लिया था, पहले बकरा फिर बैल। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई जानवर ज़बह करें दूसरे जानवर के सामने ना करें। एक दफ़ा हमने दूसरे जानवर के सामने किया था, तो वो बैल था बकरे के सामने, बैल के सामने बकरा ज़बह किया था, तो रात भर वो घूमता रहा। फिर हमने अपने पापा को बुलाया, बोला इस तरह हुआ है, तो वो कहते हैं आपने इसके सामने बकरे की कुर्बानी तो नहीं की? हमने बोला हाँ जी की है, कहते हैं वो डर गया है। फिर हमने उसको नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट किया था। अभी यहाँ पर अलियान है, बकरे घुमा रहे सीने जरूर जा रहे हो कह रहे कि ये क्या मेरे लिए खोने के रखा होगा स्टेप सब ये घर रखा हुआ मेरे लिए इन्होंने। तो यहाँ पर अलियान खेल रहे, बकरा भी खेल रहे। यहाँ पर जी बैल ज़बह होने जा रही है, थोड़ा ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, ऊपर से कर रही थी शूट में, कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया मुझे। यहाँ पर ये गोश्त है, यहाँ पर हम वज़न करके गोश्त बांध रहे हैं, तीनों में गोश्त वज़न करके बांधना चाहिए हमें। तीन हिस्से होते हैं, एक रिश्तेदार और एक अपने वाले और एक ज़रूरतमंद का, मतलब गरीबों का। यहाँ पर हम गोश्त काट रहे हैं, यहाँ पर गोश्त इस तरह मिक्स या कर रहे हैं। यहाँ पर देखें त्रामियाँ वगैरह बनी हुई हैं। आज हम शामी कबाब बनाने लगे हैं, नानाबू गए थे शाम को कीमा करवाने, हमने सोचा आपको इसकी रेसिपी बता दें, बहुत सिंपल सी है रेसिपी। ने कीमा लिया और ये चने की दाल, चने की दाल हमने बीच में डाल दी है। अब हम प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम पानी डालेंगे, चूल्हे पे रख देंगे ताकि उबाल आ जाए। यहाँ पर हम डाल रहे हैं ग्रीन मिर्चे, नमक है ये 2 चम्मच डालनी है। अब हमने हल्दी डाल दी है, अब ये हम मिर्चे डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से नमक मिर्ची डाल सकते हैं, मैं तो अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब हमने इसे साथ साथ मिक्स करते जाना है, इस तरह से, इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही आपने करना है। ये हो मेरे मुताबिक, जिस तरह मैंने किया है इस तरह ना करें और आपके सालन उलट बन जाए। प्लीज़ मैं जैसा ही बनाती हूँ वैसे ही किया करें आप लोग। हमने इसको बंद कर लेना, कवर रख लेना, हमने इसका टाइम रखना है। कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी है, हमने उसे सुखाना है इस तरह से मिक्स कर करके। पानी सारा सूख जाएगा तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ठंडा होने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे पीसना है। ये देखिए आपको ये दाने नजर आ रहे हैं, उसे पीसना है, वो नजर ना आए, फिर हम ये कबाब बन जाए, कबाब बनाएंगे। ये देखें हमने कबाब बना लिए। हमने सिंपल केक बनाया था, हमारा दिल कर रहा था, बहुत दिनों से नहीं खाया था हमने। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेट करती हूँ आपके लिए होंगे। तो आज है ईद, ईद का दूसरा दिन। यहाँ पर मैंने वीडियो शूट की लेकिन थोड़ी सी की, ज़्यादा नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। यहाँ हम सब जम कर रहे हैं, तस्वीर बनाते हैं। जैन में ऐसे खड़ा नहीं, जम नहीं करने पा रहे थे क्योंकि उसने बेबी उठाया हुआ है और वो बड़ा भारी है और ये लड़कों की पार्टी है। हमने कल कबाब बनाए थे वो हम आज फ्राई कर रहे हैं। अंडे की एक प्लेट लेनी है, अंडा तोड़ना है और फिर उसके अंदर डुबाना है कबाब दोनों तरफ से, फिर हमने ऑयल में डाल देना है, ऑयल गर्म हो, सही गर्म। यहाँ पर हमारे कबाब सही पक बन चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल रहे हैं। ये हमने गोश्त पर बनाया था क्योंकि दूसरे दिन हमारे नानों के घर दावत होती है, याद ही है। ये हमने दही घर में बनाया है, देखें कितना ज़्यादा थिक है, ये देखें, ये देखें। ये मेरी नानों ने बीफ वाली बिरयानी बनाई है और बड़े ही मज़ेदार थी यार। जब मैंने खाना छोड़ा खेलने लग पड़े यार, फिर याद आ गया यार मैंने बिरयानी और खानी है यार। बहुत मज़े की बनाती है मेरी नाना, मेरी अम्मा जी दोनों बहुत बेस्ट है बिरयानी में। यहाँ पर सलाद है और दही है और कबाब है और चावल है, रोटी है, सालन है, कोको कोला, पेप्सी वगैरह, यहाँ मुस्तफ़ा है। यहाँ पर सब बच्चे पूछ कर रहे हैं अपने मामा से कि मैंने भी आप लोगों की हेल्प करनी है, फिर भी हमने इनकी बात मानी, पेप्सियाँ वगैरह इनको दी और लेके हम कांच वगैरह किस तरह देखेंगे। यहाँ पर हमने बॉल में कस्टर्ड बनाया था, उसके नाम मैंगो थे और जेलीज थी, ये भी बनाया, सॉरी भूल गई थी बिरयानी वगैरह में ये बोलना नाम, ये भी बहुत मज़े का था, आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पर साथ साथ हम खाना खा रहे हैं। यहाँ देखें मैं खा रही हूँ खाना, यहाँ पर बिरयानी, हाय 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 हाय, कबाब। जी जैम देखो खोला था हमने राफी, उन्होंने प्लान बनाया तो सही कूट कूट के पेप्सी को करें और जैसे जैम तो एक कोला कोला खोलें तो सारी पेप्सी ऊपर है, लेकिन हमारा प्लान चौपट रहा। यहाँ पर हम स्लोमो वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं अपना। राफी सबसे ऊपर गया, जैम भाई तो जंप ही नहीं करा रहा, ना है मुस्तफ़ा। यहाँ पर इतना गोगु गोगु है, ये चल इसको दिल करता है कि घूमता रहे, जिसने आज़ादी ले। यहाँ पर चाय हम खा रहे हैं, साथ में केक है, साथ में सैंडविच है पिज्ज़ा वाला और बहुत मज़े का था। और आखिर में जब हम चाय पी चुके तो खाली कप हो चुके तो इतना ने धक्का मारा है, कप भी तोड़ दिया। बहुत शरारत किया है, एकदम से टेबल हिलाया, ढम कांच तोड़ दिया है, कब हमारा नुकसान हो गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।